ऑल राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक नाउ में। दोस्तों, आज का हम लोगों का वीडियो होने वाला है मोबाइल टेम्पर्ड ग्लासेस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मोबाइल पर अपने टेम्पर्ड ग्लास लगाने चाहिए या नहीं। तो मैं कहूंगा लगाने चाहिए, क्योंकि गाइस हम लोगों के जो फोन्स होते हैं वो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 20 से 30 हज़ार के होते हैं, और अगर थोड़ा सा भी उस पर स्क्रैच या फिर डेंट आ गया तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ सकता है उसके डिस्प्ले पर या फिर टच पैड जाने के बाद। तो उस वजह से आप लोगों को एक अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले पर स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफलाइन मार्केट में एक स्टोर पर गया था, और वहाँ से मैंने जो ये तीन सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं ना, वो टेम्पर्ड ग्लासेस मैंने लाए हैं, और उनमें से मैं बताऊँगा आप लोगों को कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो गाइज, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो मैं कहूंगा 10 रुपए से लेके आपको 100 रुपए तक मिल सकता है। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितने में लेना चाहोगे उस शॉप से। बट क्या ये स्क्रीन गार्ड आपके फोन पर लगाना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं भाई, ये कुछ काम का नहीं रहता एकदम। मैं कहूंगा थोड़ा भी इस पर प्रेशर आ गया ना, मान लीजिए आपके जेब में आपने फोन रखा है और की वगैरह कुछ भी रख दिया, तो ये आराम से टूट जाता है भाई। ये थोड़ा भी इस पर प्रेशर आ गया ना तो टूट जाता है, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे बबल्स का भी प्रॉब्लम आता है जब आप थोड़ी दिनों तक यूज़ करते हो फोन को। तो ये तो बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना, चाहे 10 रुपये में दे या 50 रुपये में दे, ये वाला स्क्रीन गार्ड आपको कभी भी यूज़ नहीं करना। ये नॉर्मल अपना जो रहता है। तो पहला तो क्लियर हो गया, अब बचे हैं ये दो, और ये दो मैं कहूँगा बहुत क्लोज कॉल है मेरे लिए पिक करना, बट मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सा किस यूज़र के लिए बेटर है। तो सबसे पहले अगर शुरू करें इसके साथ, तो भाई ये देखिए, ये एकदम पूरी तरीके से बेंड हो जाता है। इसको बोलते हैं हैमर प्रूफ टेम्पर्ड ग्लास। ग्लास नहीं रहता ये, खाली जो स्लिम लेयर्स रहते हैं प्लास्टिक के, वो 3-4 लेयर ऐड करने के बाद ये वाला टाइप का ग्लास बनाया जाता है। एकदम ये फोल्डेबल रहता है। ये उन यूज़र्स के लिए बेटर है जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, लाइक पबजी या फिर और कोई भी। तो ये जो ग्लास रहता है ना, इसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी अच्छा ये यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। ये एकदम मैट फिनिश टाइप रहता है। जब आप गेम्स खेलते हो तब आपकी उंगलियाँ बहुत ही आसानी से आपके स्क्रीन पर मूव हो सकती है इन ग्लास की वजह से। ये है इसका एडवांटेज। लेकिन भाई इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये एकदम फ्लेक्सिबल रहता है, तो उस वजह से इसके ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब इसके ऊपर मान लीजिए कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है तो ये सीधा अटैक आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर भी होता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। तो उस वजह से ये उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा जिनका फ़ोन बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं रहता, खाली एकदम सिंपल यूज़ रहता है। हाँ, इस वाले ग्लास के थ्रू आपको व्यूइंग एंगल ठीक ठाक मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बट ये ड्यूरेबल है, इसलिए ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी रहता है। इसकी प्राइस अराउंड रहती है 100 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, आप गेम्स वगैरह खेलते हो ज़्यादा ना, तो ये आप ज़रूर ले सकते हो। मैट फिनिश, उनको बोलने का हैमर प्रूफ ग्लास चाहिए हमें। यहाँ ये देखिए, आपको सिम्बॉल दिखता होगा हैमर प्रूफ। ये गेमिंग के लिए काफ़ी रिकमेंड किया जाता है मार्केट में, अराउंड 100 रुपीज़ रहता है ये। थर्ड और सबसे मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी ग्लास है हमारे पास, ये डी प्लस का। इसकी प्राइसिंग रहती है अराउंड 100 to 150 रुपीज़। ये मिड रेंज प्राइस के हिसाब से बेस्ट ग्लास है दोस्तों, अप टू 200 रुपीज़। क्योंकि एक तो ये आपको पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक रहता है, तो उस वजह से आपके डिस्प्ले पर मान लीजिए आपका फ़ोन गिर गया कहीं 2 या 3 फीट से, तो ये वाला ग्लास आपके फ़ोन को बिल्कुल बचा सकता है। मैं खुद यही ग्लास यूज़ करता हूँ मेरे फ़ोन पर। और एक और प्लस पॉइंट ये है इस वाले ग्लास की, इसके जो साइड में जो एजेस है ना, ये पूरी तरीके से ब्लैक कलर के हैं, तो उस वजह से आपका व्यूइंग एंगल भी ख़राब नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जो बबल्स वगैरह आते हैं वो यहाँ ब्लैक एजेस होने के कारण यहाँ मूव होने के बाद आपको दिखाई भी नहीं देते, तो उस वजह से ये काफ़ी अच्छा ग्लास है दोस्तों। इसके साथ साथ मार्केट में हमें 6D, 7D, 11D वो भी मिलते हैं, लेकिन ये डी प्लस का जो ग्लास रहता है ये वो बेस्ट रहता है दोस्तों। मैं इसको अपने मेरे फ़ोन पर अराउंड 6 मंथ्स तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी स्क्रैच वगैरह नहीं आ चुका है अभी तक मेरे फ़ोन पर। तो उस वजह से ये काफ़ी ड्यूरेबल रहता है ये डी प्लस का ग्लास। आपको 100 से 150 रुपये तक ऑफलाइन स्टोर में कहीं भी जाने के बाद आप उनसे ले सकते हो ये वाला ग्लास।
तो भाई मैंने जो अपने इंडिया के मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं वो तीनों भी ग्लास का यहाँ पर आप लोगों को कंपैरिजन दे चुका है मैं। ये तो आपको सबसे पहली बात अवॉइड करना है, ये क्लियर हो गया। दूसरा नंबर का है, अगर आप लोग गेमर हो तो आप ये वाला ग्लास यूज कर सकते हो। और तीसरा जो है ना, ये मल्टीपल यूजर्स के लिए टारगेट होता है, ऑलराउंडर ग्लास इसे कहते हैं भाई। ये जो डी प्लस का है ना, ये इसके थ्रू आप गेम वगैरह भी खेल सकते हो। बट क्या होता है, पसीना वगैरह आता है हाथ को, तो उस वाले केस में ये आप लोग इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते। आपको ज़्यादा गेम्स वगैरह का कुछ काम नहीं है तो आप यही वाला लीजिए। तो भाई ये था मेरा कंपैरिजन ऑफ ऑल टेम्पर्ड ग्लासेस इन इंडियन मार्केट। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार बताइए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। So guys, that's all from my side today. Till then, bye-bye.